तो शुरुआत में करता हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब की तकलीफ मुझसे देख नहीं जा रही है। जिस तरह से वो बैठे हैं, वो मुझे गुरुदत्त की एक फिल्म का सीन याद आ रहा है जिसमें वो उत्तरा का वो एक दृश्य होता है, लाइटिंग का इफेक्ट, तो वैसा ही कुछ लग रहा है। वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, ये कलर है, वो अलग मामला है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि तो ऐसे तो फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भी आ ही जाएंगे कभी लेटर, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए। ऐसा कैसे कोई कर सकता है, मतलब कि, और जिम्मेदार आदमी के प्रति जो है इन्होंने उंगली निर्देश किया हुआ है, अब यहां तक पहुंचेगा बोला मामला डॉक्टर साहब? इसमें मयूर जी, इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी निराश हताश हो गई है। हर सब कुछ कर लिया, मतलब ये है कि अब मोदी हैं तो मुमकिन है, अमित शाह हैं तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी करके उन्होंने दिखाया है। अब जिस और सवाल ये है कि भाई किसी और का करते तो सही है, लेकिन क्यों किया, दिग्विजय सिंह का ही क्यों किया? क्योंकि असल में भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे ज्यादा भयभीत रहती है तो वो दिग्विजय सिंह से ही रहती है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक उन्होंने भी राज किया और उन्हीं को हटा करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी आई थी, तो उनका मुकाबला पुराना है। और दिग्विजय सिंह के बारे में ये वाली बात एकदम साफ है कि दिग्विजय सिंह खुल करके आरएसएस के खिलाफ में और कट्टरपंथी जो ताकते हैं उनके खिलाफ में वो दिन रात बोलते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि वो पार्टी की लाइन से भी आगे चले जाते हैं या दाएं बाएं हो जाते हैं। तो ये जो बात है कि भाई किसी और में दम नहीं पड़ती, यही आदमी सबसे ज्यादा परेशान किया रहता है और इसलिए उसी का इस्तीफा दिला दिया। अच्छा, ये भी बात है कि दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये भी है कि दिग्विजय सिंह कुछ भी कर सकते हैं। जैसे तो मतलब उन्हीं का जब किया तो कुछ समय तो एकदम सन्नाटा आ गया और वास्तव में लोग एकदम कंफ्यूज हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन लोगों को लगा कि शायद उनके समर्थकों को टिकट टिकट नहीं मिला होगा तो ऐसा कुछ हो गया। लेकिन जो लोग जानते हैं उनको, जिनको लिस्ट मालूम है, जो पॉलिटिक्स जानते हैं, उन्हें मालूम है कि भले ही कमलनाथ जो हैं वो एकदम फेस हो पार्टी का और बताया ही जाता हो कि सब कुछ कमलनाथ ही करते हैं, इवन दिग्विजय सिंह भी जो है बाकायदा बयान देते हैं कि भाई टिकट जो है वितरण में मेरा कोई रोल नहीं है, एक भी कोई को मेरे पास में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सब लोग ये अच्छे तरीके से समझते हैं कि दिग्विजय सिंह ही मुख्य ऑपरेटर हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, और इतने बड़े वाले हैं कि आपको मालूम है कि जब वो यात्रा चली थी तो यात्रा के अंदर चलते चलते जब कोई अध्यक्ष नहीं हो रहा था, मतलब अशोक गहलोत जी का जो है वो भी इधर उधर हो रहा था, किसी का भी नहीं हो रहा था, तब सीधा जो है दिग्विजय सिंह जी को भेज दिया गया था कि भाई आप जाओ, आप ही फॉर्म भर लो, और वो वहां पर फॉर्म भरने के लिए भी चले गए थे। तो एक तो बात यह है कि पूरा देश इस बात को लेके कंफ्यूज्ड है कि दिग्विजय सिंह जो है वो पेरिफरी की पॉलिटिक्स करते हैं कांग्रेस की या कांग्रेस के वो कंसेंस कीपर बने हुए हैं। ये कंफ्यूजन पूरे देश में फैला है, वो मध्य प्रदेश के अंदर भी फैला है। लेकिन जो मध्य प्रदेश को जानते हैं उन्हें मालूम है कि दिग्विजय सिंह की पकड़ है और दिग्विजय सिंह इंडिस्पेंसिबल है, मतलब उनके बिना जो है वो कांग्रेस काम चला नहीं सकती है। और कई किस्म के लीवर वो अपने हाथ में रखते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग रीजन से। तो मतलब जो है सबको ये मालूम है कि दिग्विजय सिंह अगर मीटिंग में नहीं बैठ रहे हैं और डॉक्टर गोविंद सिंह बैठ रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ रहे हैं, तो वो मतलब दिग्विजय सिंह के ही प्रतिनिधि जो है वो जो वो बहुत मतलब, एक तो वहाँ बिजली है नहीं, मोबाइल का नेटवर्क है उसमें वो लगे थे और लाइट भी नहीं थी, पर वो जो कह रहे थे वो हम समझने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहने का ये था मतलब कि वो बहुत कुछ जो है निर्भर होता है दिग्विजय सिंह के ऊपर मध्य प्रदेश में, और उन्हीं का इस्तीफा। अनिल सिन्हा साहब, डॉक्टर साहब वापस आएंगे तो उनसे आप पूरा सुनेंगे, लेकिन आप सुन रहे थे तो पहली बात तो ये है कि चलिए वो ठीक है, वो वायरल हो गया लेटर, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी, वो सब ठीक है। अब तो कई बार ये भी मन में सवाल होता है सिन्हा साहब कि हम लोग
अभी भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये किस तरह की निम्न प्रकार की ओछी हरकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कोई ना कोई नेता या पदाधिकारी के द्वारा की जाती है, और हम देखते हैं फिर उस पर हम चर्चा करने लगते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये मैं देखता हूँ, ये इन चीजों को जो प्रोसेस है, बीजेपी का जो ओरिएंटेशन, ये क्या, सुनील जी को आप बोल ले लीजिए, तो बाद में मैं बोलता हूँ। जी, डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कर ले पहले। नहीं, मोटे मोटे तौर पर तो मेरी बात आई गई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे डिफिकल्ट व्यक्ति जिसको कि वो मतलब संभाल नहीं पाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, या इवन कहा जाए आरएसएस के लिए, वो दिग्विजय सिंह ही हैं। इसीलिए उनका ही चुनाव किया गया। और उन्होंने जो आरोप लगाया है वो सही है यहाँ पर, कि मध्य प्रदेश का साइबर सेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के तौर पे काम कर रहा है। क्योंकि हमने देखा भी है, मैंने खुद ने देखा है, मेरे साथ में कुछ सोशल मीडिया के अंदर कुछ ने गाली गलौज किसी ने किया। अब मैंने जाकर के वहां पर शिकायत की, मैंने एफआईआर की। आज तक आप समझिए कि 1 साल आज से ज्यादा हो गया, बयान बयान के लिए बहुत सारे आ गए, क्या क्या हुआ, लेकिन कुछ भी कार्रवाई वहां हुई नहीं। तो वो बहुत ही अपने हिसाब से, मतलब एक तरीके से उनका अपना भारतीय जनता पार्टी वाले उसे एक व्यक्तिगत उसके तौर पर, एक साइबर सेल के तौर पर उसका इस्तेमाल करने का काम वो कर रहे हैं। और इससे ये पता चलता है कि कितना डेस्परेट हैं। और इसमें मैं तो सीधा सीधा कहना चाहूंगा, अभी देखिए एक बड़ा तब्दीली आई है मध्य प्रदेश के अंदर। पहले जो है दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार करके बोलते थे, आजकल जो है वो अमित शाह को मिस्टर बंटाधार बोलने लगे हैं। क्योंकि अमित शाह जितनी बार जाते हैं उतनी बार मध्य प्रदेश का भाजपा का बंटाधार करके वो आते हैं, वो जितनी सलाह देते हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम कि अमित शाह की कोई सलाह से ये काम हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब उसके अंदर। क्योंकि हमने तो ये देखा था, हम तो किसान आंदोलन के अंदर थे, हमने देखा था कि हमारा वो 26 जनवरी वाला जो पूरा था, इनका पूरा ऑपरेशन होम मिनिस्ट्री का था, और कितना बड़े लेवल का था कि मतलब पूरे देश के अंदर अलग थलग पड़ जाए किसान आंदोलन, और पूरा देश मतलब खिलाफ में खड़ा हो जाए किसान आंदोलन के, कि ये लोग तो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ये लाल किले के ऊपर जा करके इस तरीके का काम कर रहे हैं। वो तो खैर परिपक्व लीडरशिप थी इसलिए उससे निकल गए। तो मेरा कहना ये है कि इसकी बहुत, अब जांच तो किससे कहा जाए कि कौन इसकी जांच करेगा, क्योंकि कोई भी एजेंसी ऐसी विश्वसनीय इस समय देश के अंदर नहीं बची है जिससे हम ये मांग कर सकें कि भाई वो अगर कोई जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन इससे जो संदेश निकल रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जो इस मुद्दे की चर्चा है वो इसी बात को लेकर के चर्चा है कि भाई इतने निचले उतर जाएंगे, इतने नीचे उतर जाएंगे, मतलब जैसे कहते हैं कि क्या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसी वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी के आ गई है, जो कि बहुत ही दयनीय है। डबल इंजन की सरकार अगर इतनी दयनीय स्थिति, और अभी तो चुनाव चालू ही नहीं हुआ, आपको मालूम है 17 नवंबर का चुनाव है, अभी फॉर्म वार्म भी अभी नहीं भरे गए हैं, तब से ही इतना डिस्परेट है। तो हम ये भी कल्पना कर सकते हैं इसमें, मयूर जानी जी, कि आपको पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम करने पड़ेंगे, किस किस किस्म के प्रोग्राम करने पड़ेंगे, क्या क्या आपको दिन देखने पड़ेंगे। हम लोग उसके लिए तैयार हैं, मध्य प्रदेश के लोग। जी मैं डॉक्टर साहब आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि अब ये जैसे मामला सामने खुल के आ गया, तो क्या आप असर कोई इसकी जो है किस तरह की असर देख रहे हैं, किस तरह का प्रभाव इसका, इस पूरे मामले का, मामले को जो खुला है लोगों के सामने आया, इसका प्रभाव क्या देखते हैं आप? लोग इसको एक ही तरीके से केवल ये देख रहे हैं कि ये मतलब एक तरीके से डिफीट जो है वो अपने को वो स्वीकार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस तरीके के बहुत ही निम्न हथकंडों को अपनाने का काम कर रही है। तो इसका जो पूरा मैसेज है, तो उन्होंने जिसने भी ये काम किया होगा, मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी या जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं कैसे वो सोच सकते हैं कि इसका क्या लाभ होने वाला है। मतलब इसका मतलब जब आदमी जिंदा है ना, मरे वाले के साथ में तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आदमी जब जिंदा है तो, और वो खुद कंट्रडिक्ट करने का काम करेगा ही करेगा, तो इससे आपको क्या लाभ होने वाला है? कोई लाभ इससे होने वाला किसी भी स्तर के ऊपर नहीं है। अगर उन्होंने सोचा हो कि कांग्रेस के अंदर आप अविश्वसनीय बनाने का काम कर देंगे दिग्विजय सिंह को,
तो दिग्विजय सिंह के लिए तो कांग्रेस ही बहुत है, बहुत लगे हुए हैं उनके पीछे, लेकिन वो जो है लाइलाज मर्ज हैं दिग्विजय सिंह, उनका कोई इलाज कांग्रेसियों के पास भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास तो बिल्कुल ही नहीं है, ये बात आप मान लीजिए। आपको जो पूछना चाहते हैं वो ये कि आप सर, आप तो इतने सालों से जी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, आपने राजनीति के अलग अलग आयामों को देखा हुआ है, आप ये बता दें कि और कितना गिरना है अभी, क्या देख रहे हैं आप आने वाले समय? देखिए, हम जो है डॉक्टर रामनाथ लोहिया को मानते हैं, वो कहते थे फिसलन की कोई सीमा नहीं होती, और इसलिए आप फिसलन की पहली सीढ़ी पे ही अगर रुक जाओ तो ठीक है, और अगर एक बार फिसलना शुरू हुआ तो कोई उसकी सीमा नहीं होती। लेकिन ये जो फिसलते हैं वो सत्ता के लिए, सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता की वापसी के लिए, ये इनका पूरा का पूरा उसके लिए, क्योंकि असल में अगर ये देखा जाए तो जो एक गांधीयन थॉट है कि जो प्योरिटी ऑफ मींस है उसमें इनका विश्वास नहीं है। इनका विश्वास इस बात में है कि अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये अंग्रेजों के समय में, आजादी के आंदोलन के समय भी उन्होंने यही किया और उसके बाद भी यही किया, जिन लोगों के साथ अलायंसेस बनाए उनके साथ भी इन्होंने यही किया, तो ये बात इनके एक कसम से चरित्र में है, डीएनए के अंदर ये वाली बात है। तो आपको जो मैंने पहले भी कहा था कि आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा, अब आखिरकार आपको इससे शिकायत है कि भाई इसराइल नहीं जानते, फलिस्तीन नहीं जानते, फिर भी ऐसा कर रहे हैं, तो मेरा कहना इसके अंदर ये है कि ये इसराइल का मामला इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अभी भी पोलराइजेशन के अंदर इनको लगता है कि हमास के खिलाफ में एक वातावरण बना करके, है ना, क्योंकि लोग तो जानते ही नहीं है, लोग उन्हें मालूम नहीं है कि इस देश के अंदर अगर विदेश में कोई बड़ा लिबरेशन मूवमेंट का अगर कोई समर्थक थे इस देश में, या सबसे सबसे पॉपुलर व्यक्ति था वो जो है यासिर अराफात था, लोगों को नहीं मालूम है कि फिलिस्तीन की आजादी को लेकर के यहाँ पर इस देश के अंदर बहुत काम हुआ है, और आखिरकार वही दबाव था कि आखिरकार भारत सरकार को भी उस लाइन के ऊपर बोलना पड़ा, लेकिन जो इनके पत्रकार कर रहे हैं वो केवल और केवल हिंदू मुसलमान का जो है वही ध्रुवीकरण और वही नैरेटिव, वही नफरत, वही घृणा, वही हिंसा। तो ये जो तीन शब्द है, नफरत, घृणा, हिंसा, और जो है कि मतलब अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए सब कुछ जायज है, इसके अंदर जो है कोई भी आपको रिस्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको साधनों की पवित्रता और शुचिता के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब ये अगर यही दर्शन हो, यही सिद्धांत हो, यही अगर विचार हो, तो जो कुछ हुआ है इसको लाना इसलिए जरूरी था और आपको ये कार्यक्रम इसलिए जरूरी था ताकि लोगों को ये पता चले, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भाई जो ठीक है सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं उनको तो पता चल गया, लेकिन बाकी जनरल लोगों तक थोड़ी बात पहुंचती है, छोटा मोटा कहीं छप गया उससे बात नहीं पहुंचती, लेकिन आपको क्योंकि लाखों लोग देखते हैं आपका 4 PM के शो को, तो कम से कम जो है एक बहुत वाइड जो है उसका आपका दर्शक वर्ग है, तो वहां तक वाली बात पहुंचती है कि भाई देखियो ये कितने निचले और निम्न स्तर के ऊपर गिर रहे हैं, और जो भी इसको सुनता है वो इसको कंडम करने का काम करता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता या संघ का भी कोई कार्यकर्ता इस तरीके के जो एक एक कहा जाए कि बहुत ही ओछी हरकत है इसको उसका सैंक्शन होगा या इसकी तारीफ करेगा कि वाह 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 हितेश भाई कमाल कर दिया आपने, वाजपेयी जी आपने तो जो है बिल्कुल एकदम मतलब धराशाही कर दिया दिग्विजय सिंह को, क्योंकि इसका कुछ जो है नतीजा जो है वो सब निगेटिव ही निकला। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जो होता है कि आप का जब ऐसा समय अब आ गया है तो फिर सब कुछ उल्टा होता चला जाता है, ये वाली खास बात है, ये मैं कहना चाहता हूं।